बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। तो इंसान की फितरत में तभी तो तीन सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि मैं आया कहाँ से हूँ, दूसरा सवाल उठता है कि मुझे जाना कहाँ है, और तीसरा सवाल उठता है कि इस दौरान में जो सफ़र होगा वो सफ़र कैसे तय करना है। जैसे कि दुनिया के अंदर भी इंसान को अगर आप आंखें बंद करके उठा के किसी जगह बिठा दें, किसी दूसरी बस्ती में, गांव में, तो एक दफ़ा तो आंखें खोल के देखेगा, भाई मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ हूँ भाई, कि जी आप फलां बस्ती में, ओ अच्छा मैं कहाँ से, अच्छा मैं तो फलां बस्ती से आया हूँ। तो देखो इसी तरीके से इंसान जब दुनिया में आंख खोलता है तो दुनिया में आंख खोलता है तो उसको नहीं पता, आखिरत का इंसान दुनिया में आ गया तो एक दफ़ा सवाल तो करता मैं आया कहाँ से हूँ। तो उसकी फितरत बोलती है कि मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा मबदा क्या है, मेरी इब्तदा कहाँ से हुई है, ये पहला सवाल उठता है। और दूसरा सवाल उठता है कि मैंने जाना कहाँ है, मेरा मेरी इंतहा कहाँ है, मेरा मुंतहा क्या है, ये दूसरा सवाल उठता है। और तीसरा सवाल उठता है कि ये मबदा और मुंतहा के दरमियान का जो फासला है ये मैंने तय कैसे करना है। ज़ाहिर है कि इंसान की दुनिया के अंदर भी यही तरतीब सफ़र की चलती है कि जहाँ से चलता है तो उसको अपना डेस्टिनेशन पता होता है, मैं न्यूयॉर्क से चला हूँ, कहाँ पहुँचा है, मुझे शिकागो पहुँचना है, न्यूयॉर्क से शिकागो तक का सफ़र करना मैंने कैसे है, हवाई जहाज़ पर करना है या बाई रोड करना है, किस तरीके से मुझे ये सफ़र तय करना है। तो गोया के तरीक़ाकार सोचता है बिल्कुल इसी तरीके से इस आलम दुनिया से आलम आखरत का जो सफ़र है इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला ने ये फितरी ज़ाबता बना रखा है कि इंसान को ये पता हो कि मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है, और इस दौरान में सफ़र कैसे तय करना है। गोया के पहला जो है वह मबदा का सवाल है, दूसरा माद का सवाल है, और तीसरा मियाद का सवाल है कि दरमियान का जो मियाद, दरमियान का जो वक्त है वो कैसे सर्व करना है। ये सवाल इंसान के दिल में उठते हैं और इसीलिए उठते हैं कि ये दो फिक्रें जो अल्लाह तबारक व ताला ने इसके ऊपर लागू कर रखी हैं उन फिक्रों के नतीजे में जब ये सवाल उठते हैं और इन सवालों का जवाब जब ढूंढता है, और इंसान की ये नेचर है जब खुद दिल के अंदर सवाल उठे और उस सवाल का जवाब ढूंढने लगे और कोई जवाब देने वाला उसको जवाब दे दे तो वो जवाब उसके दिल में पुख्ता हो जाता है। लेकिन अगर आपके दिल में सवाल ही नहीं उठता, वैसी तकरीर आवाज कर दी तो आपने सुन लिया, जी जज़ाकअल्लाह जी बहुत अच्छा है, सलाम अलैकुम चलेगा। लेकिन आप खुद मुतलाशी हैं कि यार इस सवाल का जवाब क्या है, एक को पूछा, दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, कहा कि नहीं भाई हमें खुद पता नहीं, हम खुद पूछते फिर रहे हैं, किन से पूछें, कहा कि जिस खुदा ने हमें भेजा है उस खुदा ने अंबिया भेजे हैं, उन अंबिया के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ये वही का पैगाम हमें देता है, चलो अंबिया से पूछते हैं। अब अंबिया आकर दुनिया में बताते हैं कि तुम्हारा मबदा क्या था, तुम्हारा मुंतहा क्या है, तुम्हारा दरमियान का वक्त कैसे सर्फ होगा। अब हर ज़माने को उम्मती अपने अपने नबी से पूछता है और नबी उसको सवाल का जवाब देता है, तुम्हारी इब्तदा यहाँ से हुई है, तुम्हारी इंतहा वहाँ होनी है, तुम्हारे दरमियान का वक्त किस तरीके से गुजरना है। और यह सिलसिला कायनात में चलता रहा यहां तक कि सबसे आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, उन्होंने भी इंसानियत को आकर इन्हीं तीन सवालों का जवाब दिया कि तुम्हारा मबदा क्या है, तुम्हारा मुंतहा क्या है, और दरमियान में तुमने वक्त कैसे गुजारना है। जाहिर है कि तुम्हारा मबदा आखरत है, तुम आखरत से आए हो और दुनिया के अंदर तुम आर्जी वक्त जीने के लिए आए हो, और तुम्हारा मुंतहा भी आखरत है, गोया कि आखर से आया हुआ इंसान आखरत को वापस जाएगा और दरमियान में ये मुसाफिर है, इस सफर के जमाने के अंदर अपनी जिंदगी गुजारेगा और सफर के जमाने में क्या करेगा। जैसे मुसाफिर जब किसी दूसरे इलाके में जाकर सफर करता है ताकि वहां जाहिर उसका एक मकसद होता है, वह कस्बे तजारत करता है, वहां कुछ कमाने के लिए जाता है, किसी मकसद के लिए जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से आखरत से इस इंसान को उठाकर दुनिया के अंदर भेजा और कहा कि ये दुनिया की, इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के मुल्क के अंदर रह के अब तो ये तिजारत करने की इजाजत है। और तिजारतें दो हैं, एक तिजारत दुनिया की है और एक तिजारत खाल के दुनिया की है। एक कायनात की तिजारत है जो तुम कर सकते हो, तुम सुबह शाम अपनी दुकान खोलो, अपने दफ्तर खोलो, अपनी ज़राअत चलाओ, अपनी सनतें चलाओ, दुनिया के अंदर अपना खाना पीना, पहनना ओढ़ना, रहना सहना, बीवी बच्चों के हकूक, ये सारी की सारी दुनिया की कायनात के सारे मामलात, ये तुम्हें करने की इजाज़त, और फिर रब्बे कायनात का काम, रब्बे कायनात को भी याद करना है। तो गोया कि ये जो सफ़र में हम निकले हैं, इस सफ़र में हमें बैठना नहीं है, हम मुकीम नहीं, हम मुसाफिर हैं,
کوئی 70 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 80 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 50 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 100 سال کے لیے آیا ہے، کوئی جوانی کے اندر ہی رخصت ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ ہمارے اوقات اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیے ہیں۔ لہذا ہر آدمی سفر میں ہے، اور تجارت کے راستے دو ہی ہیں، ایک دنیا کی تجارت اور ایک آخرت کی تجارت۔ تو بس عقل مند انسان وہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تجارت میں لگا رہا، اسے وقت کو ضائع نہیں کیا، کبھی دنیا کماتا ہے، کبھی آخرت کماتا ہے، کبھی دنیا پکڑتا ہے، کبھی آخرت کے دامن پکڑتا ہے، بس یہ دو ہی تجارتیں انسان کرتا رہے، یہ نہیں کہ آخرت دنیا ہی کو پکڑ لیا اور دنیا ہی کے تاجر بن کے رہ گیا اور آخرت سے غافل ہو گیا، یا یہ کہ آخرت کو پکڑ لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا، رہبانیت اختیار کر لی۔ تو نبی نے فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تم دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ، نہیں، اسی دنیا کے اندر تمہیں رہنا ہے، یہیں تمہیں کھانا ہے، یہیں تمہیں پینا ہے، یہیں تمہیں رشتے ناطے پورے کرنے ہیں، اسی دنیا میں رہ کے دنیا کے پیدا کرنے والے کو تلاش کرنا ہے۔ یہ سبق ہے اسلام کا۔ لہٰذا یہ تجارت انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، اور یہ دونوں فکریں، اور عقل مند انسان وہی ہے کہ جو ان دونوں فکروں کو لے کے چلتا ہے۔